अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी खजूर। चलिए फ्रेंड्स, ये हैदराबादी खजूर को कैसे बनाते हैं शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कप मैदा है। ये मेजरमेंट से मैं 3 कप मैदा जल्दी करके रख ली हूँ इस बाजू की दाल के इसमें। और ये शक्कर है, शक्कर को मैं मिक्सी में फिरा ली हूँ। और ये 1.5 कप शक्कर है, जैसे मैं आटा मापी थी वैसे 1.5 कप है ये। और यहाँ पर मीडियम साइज़ की कप से मैं ये एक मेजरमेंट 1 कप डालती हूँ। सोजी, बारीक सोजी, देखो ये बीच का ये 1 कप है ये, और बारीक सोजी है। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी रख ली हूँ। आप चाहे तो दूध भी डाल सकती हैं, पानी भी डाल सकती हैं। और यहाँ पर घी भी रखी हूँ। और ये सौंफ है, इसे सौंफ को मैं दगड़ बगड़ कूट ली हूँ इसे। आप चाहे तो 1 स्पून या आधी स्पून डाल सकती हैं। ये है देखो, 2 इलायची बारीक कूट ली हूँ। और 1 चुटकी सॉल्ट है, 2 चुटकी सोडा है, मीठा सोडा खाने में डालते सो। अब चलिए इसे कैसे मिलाते हैं देखेंगे। एक एक डालते हुए मैं मैदे का आटा डालती हूँ इसमें, और इसके साथ शक्कर भी डाल चुन जो मैं मिक्सी में फिरा के रखी थी 1.5 कप। 3 कप आटा है, 1.5 कप शक्कर है, इसे भी डाल डालती हूँ अच्छे से। यहाँ पर 1 छोटा कप सोजी भी डाल डालती हूँ। आप चाहे तो हाँ खोपरे की, सूखे खोपरे की बुकनी भी डाल सकती। और मुझे नहीं चाहिए था इसके वास्ते मैं नहीं डाली, आप डाल लो, टेस्ट भी अच्छा रहता है। और मैं अब यहाँ सौंफ भी डाल डालती हूँ इसमें, और सारे एक एक करके ऐसा डाल डाल चूँ पूरे इसमें सब डाल डाली हूँ। अब घी डालती हूँ, 2 स्पून घी डाल चूँ इसमें मैं। डालने बाद अच्छे से इसे मैं मिक्स कर ले चूँ हाथों से, अच्छा मिलाकर। देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ पूरा। और इसमें धीरे से पानी डाल के इसे भी मिला ले चूँ। आप चाहे तो दूध भी डाल सकती, मैं पानी डालती हूँ इसमें। पानी एकदम डालना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना। एकदम डालने से ज़्यादा ढीला हुआ करना बनाने वास्ते वाखा आया था। और आटा मिलाते ज रहना फिर इसके वास्ते ना, हम ना को कितना होना करने का, थोड़ा थोड़ा डाल लेकर मिला लेते रहना इसे। ये देखो आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर ले चूँ, मल ले चूँ थोड़ी देर। अच्छे से मिलाने के बाद में मैं ये देखो मैं आटे को अच्छे से मिला के रख ली हूँ। और ऐसा घट रहना, ज़्यादा नरम नहीं होना। ज़्यादा नरम होने से हम ना को बनाने वास्ते नहीं होता, और ज़्यादा ढीला या तो शक्कर पिघलती जाती। इसके वास्ते चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं रखना इसे। यहाँ पर मैं बेलन मांडा रखी हूँ, और चलिए इसे 2 हिस्से कर ले को। 2 हिस्से में आधा आधा 2 टाइम के नान मैं बेल ले चूँ बनाने के वास्ते खजूर। और आप चाहे तो इसमें कोसा भी शेप दे ले सकती हैं, स्टार हो या हार्ट हो या आप डायमंड हो, मैं डायमंड देती हूँ। एक आधा मैं बाजू रखी हूँ, और आधा उठा लेकर से बेल चूँ अच्छे से मल्ले को आटा लगा कर, नहीं तो लग जाता मांडे को। इसे अच्छे से मल ली हूँ और आटा लगाती हूँ इधर इधर दोनों साइड को। और चलिए इसे अब हल्के से बेल लेंगे। मैं 4 कोनी रकम का बेलती हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं इसका है। और थोड़ा मोटा रखती हूँ, पतला नहीं रखती, मोटा रहने से अच्छा रहता खजूर। ये देखो मैं 4 कोनी का बेल ली हूँ इसे, और चलिए इसे कट कर लेंगे। बड़ी एक चाकू ली हूँ मैं, और इसे ऐसा कट लगा लेती हूँ, खजूर का शेप देखकर डायमंड का से कट कर लेती हूँ। ये देखो मैं कट करती हूँ को एक एक बाजू को रखती हूँ। एक तो ये चाकू को लग जाती है, लग जा को खम जाता है इसके वास्ते ना, एक एक कट करती हूँ इधर बाजू रखती हूँ। देखो सारे कट लगा ली हूँ, कट कर ली हूँ। और ट्रे ले लो, ट्रे में रखती हूँ पूरे। और इसे भी ऐसा जोड़ लेने के बाद और एक को भी बेल लेती हूँ ऐसा अच्छे। ये देखो इसे भी बेल ली हूँ, और इसे भी कट लगा लेती हूँ अच्छे से। ये कट करने के टेम्पो लग जाता रहता है, चाकू को थोड़ा आयल लगे तो लगता नहीं। ये देखो पूरा बन को रेडी हो गया, पूरे मैं बना ली हूँ। चलिए अब तलने के लिए चलेंगे। आ गई हूँ, स्टोव ऑन करी हूँ, और तेल भी गर्म हो गया है। ये खजूर को तलने के खातिर तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना और ठंडा भी नहीं रहना, मीडियम है ना। कई का तो खजूर डालते ही तेल जला हुआ है तो ऊपर का जली काला बना डालता है और अंदर का पकता नहीं। और इसके वास्ते ठंडे में डालेगा ना घुल जाता खजूर है, पूरा टूट टूट जाता है। इसके वास्ते है ना मीडियम आंच पे रखो, बना लेते तल लेते रहना इसे। अब मैं सब एक एक करके इसमें डालती हूँ। खजूर ऐसा ऊपर आने जाने के बाद
फलटा लेना, पहले से नहीं फलटाना इसे, कहीं कहते ये पकने के बाद ऐसा ऊपर को आता है मोटा होकर। चलिए अब इसे हल्के से पलटा लेंगे एक 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 करके सबको। मैं इस तरफ भी पलटा के पका लेती हूँ और ऐसा च इधर इधर पलटा पलटा कर पका लेते रहना इसे। ये देखो खजूर बन को रेडी हो गई हैं। अब इसे मैं प्लेट में निकाल ले चूँ, लाल हो गई हैं अच्छे से, मैं अच्छा ऐसा झुका कर निकाल ले चूँ। तेल इसमें प्लेट में पड़े नहीं इसका ज़्यादा, खजूर अच्छा नीट से बन को रेडी हुई, पकना भी अच्छे से पके हैं। यह और एक टाइम भी छोड़ डाली हूँ मैं तलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हैदराबादी खजूर बन के रेडी हो गए हैं। आप भी ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखो, ये रेसिपी खाने में एकदम फर्स्ट क्लास रहती। आप बच्चों को शाम हो तो स्नैक्स के नाथ दे सकती हैं और मेहमान आए तो मेहमान को भी रख सकती हैं, खाने में भी एकदम टेस्ट रहती है और सिंपल से है रेसिपी, बनाने में भी ईजी है। हमारे वीडियो के साथ नए फ्रेंड जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो कहाँ से रोज को लाख देना सुन कीजिए। क्या बोलू ले, इतना छोटा होगा तो काम दिखते नहीं है। पेंसिल हो जाती पन की वो आया कहीं होता लबर तुझे लबर अच्छा चीज है पेंसिल। टाइम पूरा बोल रहे हैं मैं बरकरार होता है लिख दिमाग तो। हाँ भैया कने पूछ के देखो, बॉक्स में भी आई थी ना स्केल है, क्या करे हो ये ना आप अनु शॉपिंग गए थे वहां से मैं एक वोंडी मंगाई है, नमाज की ओढ़नी एक, निकाब एक मंगाई हूँ। निकाब है ना अच्छा बड़ा है एकदम अच्छा, कपड़ा भी अच्छा है इसका, एक मंगा ली अच्छा बड़ा है बड़ा वाला। एकदम सामने का छोटा आता है पीस, पीछे की पीस आपको बड़ी रहती ओढ़नी। और ये मंगा ली हूँ और ये एक दो मंगा ली हूँ। ये है ना मंगाने के बाद देखी तो मैं यहाँ जाग पाऊँ, देखो आपको दिखा चु तुम ना को भी पर्दा में मिल जाती हूँ मैं, वो लिखना ही पर्दा में मिल जाती हूँ मैं घर के पर्दे ये नमाज की ओढ़नी एक मिल जाती है, ब्लैक येलो जरा वाइट एक मिल इसका है इसका। ये दो मंगाई से मेरे पास ऐसे छोटे ही दो, इसके वास्ते ना अच्छा बड़ा है। तो ये मैं साड़ी निकाली थी पहनने के लिए और ये देखिए काफ़ी रोज़ होगा ऐसे निकाल के साड़ी में, साला रोज़ नहीं साला होगा मैं, ये मेरे शादी नहीं सो पहले मैं घर में इस टाइम पर मशीन में सी थी ये वर्क, मामूल मशीन में एक एक चमकी रखो और दूसरी साड़ी पर ये डिज़ाइन आया तो ये साड़ी के ऊपर डालकर मैं डिज़ाइन बनाकर ये चमकी है ना डालकर मशीन में सी हूँ, सो एक एक चमकी एक एक बार रखो सी हूँ मैं। बड़ा अच्छा रिश्ता था ये, पहले ऐसा वर्क भी करती थी मैं, क्रोशिया का वर्क भी करती थी मैं, अब ना कौन सा वर्क भी ना आया हाथ में, अब काम का लेना बरो आता था टाइम। और ये अब देख लेती हूँ उसे निकाल वो कितना अच्छा है, पहले कैसा अच्छा कर लेती थी मैं घर को। इसके साथ है ना ब्लाउज को भी अच्छा ऐसा कर रही हूँ मैं, पैकेट बोलता पाल पैकेट चिन्ना दिखा तो छोटी लगा तो बस होती नहीं, हाफ लीटर दें दे। ये क्या सोना, अरे जा तुझे कैसा आता वैसा बोल ले लगा जा, और को मुझे बोल नहीं ये लास्ट टाइम बोलती हूँ मैं, क्या बोलती नहीं देखो जा हल्लो जा। मैं रेहान को बुला ले करने के टाइम पर लेने बिसर की ख्याली करी ना हूँ मैं, पैसे ले लगे नहीं थे इसके वास्ते, अब बोली तो नहीं खुनस्ता आ जाता है, मैं ले लगाता नहीं मैं ले लगाता नहीं होता। क्या हुआ दूसरी गरम करके देता नहीं तो जैसे अयो। मैं ना रात को दही खाना मिले और सब दही खाना होना कहे इसके वास्ते सालना क्या भी ना को कहे मैं और मिलाकर
तीन जनों को, रेहान के डैडी को और गनी को, रेहान को, सबको दाल को देने के वास्ते ये बर्तना में डालती हूँ। अभी उन सबको लज्जा के कर को लज्जा दे डाल चूँ। हाँ बैठे जगह खा लेती, गनी लिख लेता है और रेहान के डैडी बैठ को ही, और रेहान के डैडी बोले मैं हाँ बैठ को लो दे डालो, सब खा लेती, थोड़ा थोड़ा डालो बल्ला का नको को बोले। हाँ लाचू ए हाँ जल्दी फिर से। और रात हो गई थी, सब खा ले ही, और मैं बाहर आके थोड़ी देर सीढ़ी पे बैठने के वास्ते, हवा लेने के वास्ते बैठ गई थी मैं।